हे गाइस, देखो जेन टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है कि नहीं है? जेन टेक्नोलॉजी के बारे में, जेन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा मल्टीबैगर मतलब रिटर्न निकाल कर दिया है। और आज के डेट में कंपनी को एक और बड़ा ऑर्डर मिला है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए लास्ट वर्किंग डे में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। दोपहर कर बाद मतलब दोपहर से आपको यहाँ पर अपर सर्किट आपको देखने को मिल गया, ऐसा था। और इसी वजह से देखिए, ये स्टॉक जो है पिछले 6 महीने में 150% और पिछले 1 सालों में 266% का रिटर्न दिया है, और लंबे समय में देखते हैं तो 1200% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है, ऐसा है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। और भी कंपनी जो है इंडियन आर्मी के लिए बहुत सारा काम करती है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है? गवर्नमेंट इस कंपनी को ऑर्डर देती है और ये कंपनी वो काम पूरा करती है। अब गवर्नमेंट जब भी कोई ऑर्डर देती है तो सर वो बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखो, गवर्नमेंट जब भी कोई ऑर्डर देती है तो वो देश के लिए देती है, अपने लिए नहीं देती है। अगर मैं ऑर्डर दूंगा तो भाई मैं अपने लिए दूंगा ना, कोई और भी ऑर्डर देगा तो वो अपने लिए देगा, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑर्डर देती है वो तो देश के लिए देती है। इस वजह से इनको इतना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, ऐसा है। ये कंपनी 1996 से काम कर रही है, लेकिन लिस्ट हुई है बहुत बाद में। ये कंपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है, ट्रेनिंग सॉल्यूशन वगैरह भी प्रोवाइड करती है, डिफेंस से रिलेटेड सिक्योरिटी फोर्स वगैरह भी जो है ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है, और भी बहुत सारे मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी कंपनी जो है प्रोवाइड करती है, जिससे गवर्नमेंट को डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। यहाँ पर मेन चीज़ जो है रिपीटेड कस्टमर्स, देख सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम रिपीटेड कस्टमर। इनके रिपीटेड कस्टमर कौन है तो यहाँ पर देख सकते हो, हमारी इंडियन आर्मी आपको देखने को मिला 90%, मतलब बार बार उन्हीं को मतलब जरूरत पड़ता है, ऐसा, ठीक है? और पेटेंट देख सकते हो, मतलब 125 इन्होंने पेटेंट फाइल कर रखा है पूरे ग्लोबल लेवल में। सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है 1000 से प्लस आपको देखने को मिला, 30 सालों की लेगेसी आपको देखने को मिला। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ये कंपनी बनाती है, देती है, ठीक है? ड्रोन्स वगैरह हो जाते हैं, कॉम्बैट ट्रेनिंग हो जाती है, उसके साथ साथ लाइव रेंज वगैरह हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है कंपनी जितना भी डिफेंस को ज़रूरत पड़ती है वो काम करती है, और भी चीज़ों को डेवलप करने के लिए कंपनी काम करते रहती है, ऐसा रहता है। इसी वजह से इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़े हैं सर। काउंटर ड्रोन आपको देखने को मिल जाएगा, और मतलब बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा। इनके पास ना मेंटेनेंस चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। इनका मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो सर 95% है, मतलब कोई और है ही नहीं सर इस फील्ड में, समझो कोई और है ही नहीं इस फील्ड में। इतना बड़ा मतलब समझो कि कंपनी जो है बड़े लेवल में काम कर रही है। और कंपनी के पास ऑर्डर की बात करते हैं तो सर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तरफ से ऑर्डर हैं कंपनी के पास। कभी 1000 करोड़ का ऑर्डर है साइड में, 372 करोड़ का ऑर्डर है, फिर प्लस 500 करोड़ का ऑर्डर है, प्लस फिर आप देखोगे तो 340 करोड़ का ऑर्डर है कंपनी को, तो ये और फिर से एक और से है 160 करोड़ का ऑर्डर है। तो मतलब कंपनी को मल्टीपल ऑर्डर्स मिले हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ों को देखा होगा, इन्होंने पेटेंट फाइल कर रखा है ग्लोबल लेवल में। तो क्यों ग्लोबल लेवल में? इंडिया में तो इंडिया का नहीं, ग्लोबल लेवल में इस वजह से क्योंकि ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, 44%, और जो बचा हुआ है 56% ये इंडिया है। तो भाई ये बाहर भी तो काम कर रही है ना, तो बाहर काम कर रही है तो कोई और इसी तरीके से काम ना करे तो कुछ कर नहीं पाएगा जब तक इनके पास पेटेंट, ये जो पेटेंट नहीं है तब तक पेटेंट। और लास्ट वर्किंग डे में जो स्टॉक्स में सर्किट देखने को मिला है, कंपनी को 100 करोड़ का ऑड ऑर्डर देखने को मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री से, देख सकते हो। और इसी की वजह से जो है स्टॉक भागता हुआ नजर आया है। और ये कंपनी को भविष्य में और कितना ऑर्डर मिलेगा ये बोलना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि मतलब ये कंपनी जिस लेवल में काम कर रही है ना, यहाँ पर मतलब कुछ बड़े ऑर्डर्स भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा है। और ये देखोगे तो इनकी कुछ सब्सिडरी कंपनी भी हैं, ऐसा है। और ये कंपनी मतलब R&D के ऊपर भी काफ़ी अच्छा पैसा खर्च करती है, 14 करोड़ रुपए तक कंपनी खर्च कर देती है केवल R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। लोग देखो स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं होता, कैसे प्रॉफिट होगा सर, कैसे, क्यों प्रॉफिट होगा, पहले रीज़न बताओ क्यों प्रॉफिट होगा, है कि नहीं? जब तक आप प्रॉफिट करने के लिए कुछ पैसा खर्च नहीं करोगे कैसे होगा? कंपनी R&D करती है तो उसको पैसा मिलता है सर, नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नए प्रोडक्ट बनाती है, और वो प्रोडक्ट मार्केट में चलता है तो कंपनी का शेयर का प्राइस भी चलना स्टार्ट कर देता है। हम लोग क्या करते हैं, आँख बंद करके डाल देते हैं पैसा, कुछ लोग तो ब्रोकरेज से भी डरते हैं, ऐसा रहता है, ठीक है। और इनके क्लाइंट जो मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे क्लाइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ कंपनी के पास और भी मतलब जो है स्ट्रेटेजिक फोर्स देखने को मिल रहा है, जो फ्यूचर में कंपनी आने वाले दिन में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हुए नज़र आ सकती है, ऐसा है।
वर्चुअल लैंड जो है, मतलब जो लेती है कंपनी उसके ऊपर काम करती है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी इनके पास काफ़ी अच्छे प्रेजेंस है, ऐसा है। तो जो ऑर्डर मिले हैं उस कंपनी को, इस वजह से ये स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। बाकी मैं आपको बोलूँगा कि कंपनी ऐसे फंडामेंटल चेक करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंपनी आपको बहुत कम डिविडेंड देती है, 0.03 का, और प्रमोटर के पास मैं आपको बता दूँ 57% की हिस्सेदारी है, केवल 1% का प्लेज है, कंपनी डेट फ्री है, केवल 23 लाख रुपीज़ का डेट है बस, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री आप बोल सकते हो यहाँ पर। और कंपनी का सेल्स जून में काफ़ी अच्छा आया था, अभी सितंबर में कंपनी का कुछ खास नहीं आया था, इस वजह से स्टॉक थोड़ा डाउन आया था। कंपनी का प्रॉफिट 47 करोड़ तक तो चला गया था, अभी वापस 17 करोड़ के बाजू में आया है करके, तो अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है। बैलेंस शीट में पता चल रहा है 400 करोड़ का कंपनी के पास तो रिजर्व है सर, 400 करोड़ का, और डेट फ्री कंपनी है, मतलब ये सारा पैसा समझो कंपनी के पास भी है, और कैश फ्लो भी है 78 करोड़ का, 78 करोड़ का कैश फ्लो भी देखने को मिल जाएगा, असेट वगैरह भी है, तभी तो कंपनी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा खरीद रखा है, डोमेस्टिक ने भी, और बाकी पब्लिक ने कंज्यूम कर रखा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट इंजन में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमैट अकाउंट फ्री रहेगा, डिलीवरी चार्जेस फ्री रहेगा, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।